लग गई आग, मेरे घर में बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो कि जला ही क्या है। और अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। एक अच्छा खासा शख्स दिल से उतार देती है, जानबूझकर अनदेखी दूरियों को आकार देती है। एक अच्छा खासा शख्स दिल से उतार देती है, जानबूझकर अनदेखी दूरियों को आकार देती है। जो तुम्हारे बस की हो वही बोलकर जाना, एक झूठी उम्मीद इंसान को मार देती है। आज की इस दुनिया में ना थोड़ा बहुत शतरंज का खेल आना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल ना लोग रिश्तों में चाल चल रहे होते हैं और हम निभाने में लगे रहते हैं। इस दुनिया में ना अच्छे लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं, उनकी कीमत जीरो की तरह होती है। जीरो की वैसे तो कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जीरो जिसके साथ भी लगता है वो बहुत कीमती हो जाता है। कि बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं, अजी हम लड़के हैं जनाब, हम कुछ जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। आधी उम्र जिम्मेदारियां समझने में गुजर जाती है, तो आधी उसे निभाने में। पूरा बचपन किताबों में गुजरता है, तो जवानी कमाने में। ये जिम्मेदारियां उम्र के साथ बढ़ती है, ये बुढ़ापे में भी कम नहीं होता। अजी कौन कहता है जनाब, हम लड़कों के जिंदगी में कोई गम नहीं होता। कभी बेटा बनकर तो कभी बाप का फर्ज निभाना पड़ता है। कभी खाने के लिए नखरे होते हैं तो कभी खाली पेट भी चलाना पड़ता है। कभी माँ की गोद में सोते हैं तो कभी जिम्मेदारियों की बोझ में। कभी नौकरी की तलाश में रहते हैं तो कभी सुकून की खोज में। हम हर किसी की तकलीफें समझते हैं, मगर अपनी तकलीफों का किसी से जिक्र नहीं करते। जिम्मेदारियों के पीछे कुछ इस कदर भागते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की भी फिक्र नहीं करते। हमसे हर किसी को उम्मीदें हैं, मगर कोई हमसे हमारी ख्वाहिशें पूछे किसी का मन नहीं होता। हर गलती पर उसे डांटने से पहले सही गलत का मतलब जरूर समझाऊंगा। उससे सॉरी नहीं बुलवाऊंगा, पर उसे सॉरी फील जरूर करवाऊंगा। उसकी माफी से ज्यादा उसका सीखना जरूरी है, ये समझाऊंगा। उसके हर बार गिरने पर उसे नहीं उठाऊंगा, उसे अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सिखाऊंगा। उसे मैं अपनी जात जरूर बताऊंगा, पर उससे वो बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, ये भी समझाऊंगा। उसे अपने धर्म के बारे में भी सिखाऊंगा, और उसे दूसरे धर्मों के बारे में भी बताऊंगा। उसे अंधविश्वास और विश्वास में अंतर समझाऊंगा। हो सकता है मैं कहीं जगहों पर गलत हो जाऊंगा, उसे अपनी सोच से सही और गलत को पहचानना बताऊंगा। मैं अच्छा बेटा ना सही, अच्छा बाप जरूर बनना चाहूंगा। मैं उसकी हर ख्वाहिश पर महंगाई का टैग नहीं लगाऊंगा, पर उसके हर एक रुपए की कीमत जरूर समझाऊंगा। मैं उसे दूसरों की इज्जत करना तो सिखाऊंगा, पर उसे सेल्फ रिस्पेक्ट की अहमियत भी बताऊंगा। मैं उसे खुद का अच्छा सोचना बुरा नहीं है, ये बताऊंगा। अगर किसी का बुरा करके खुद का अच्छा सोचना बहुत बुरा है, ये भी समझाऊंगा। मैं अच्छा बेटा ना सही, अच्छा बाप जरूर बनना। सोच रहा है बेटे, ये स्कूल के नंबर उसका भविष्य ना ही संवार सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। इंसान को उसकी संगत सुधारती या बिगाड़ती है। वो किसके साथ उठता बैठता है, उनके गुण अवगुण उसको बेहतर या बदतर बनाते हैं। इन कागजों के एग्जाम से बहुत ज्यादा मुश्किल इम्तिहान लेती है जिंदगी बेटा, उनके आगे ये चीजें बहुत छोटी लगेंगी। क्या होता है मालूम है, जब आपका नाम होता है ना तो फिर रिश्ते भी वैसे ही बनते हैं, और जब आपका नाम खराब होता है तो खुद के रिश्ते छोड़ के भाग जाते हैं। तो चलते रहता है, दुनिया है तो ध्यान नहीं देने का। पहला चलता था कि रास्ते पे जो कुत्ते भोंकते तो उनके ऊपर पत्थर मत मारो। आज नहीं वैसा करने का, आज जेब में 200 रुपए का बिस्किट लेके निकलने का। कुत्ते भोंकेंगे ना तो एक एक बिस्किट फेंकने का। ऐसा है, ये दुनिया है, चलते रहते हैं, इनका टेंशन नहीं लेते। स्ट्रगल है ना, बहुत सिखाती है। सक्सेस कुछ नहीं सिखाता है जिंदगी में। सक्सेस में तो सब आपको चढ़ाते हैं और सब अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है दुनिया। बट द हार्डशिप और वो मुश्किल हालात से आप गुजरते हैं ना, तभी आपको कुछ सीखने को मिलता है।